हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय है। आप देख रहे हैं टेक्निकल मोशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने मोबाइल फोन को एक यूनिवर्सल रिमोट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन से डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस जैसे कि टीवी, सेट टॉप बॉक्स, एसी, डीवीडी प्लेयर और जो डिवाइसेस रहते हैं जिनमें रिमोट की रिक्वायरमेंट होती है, उनको आप अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, आप अपने मोबाइल फोन को रिमोट की जगह रिप्लेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए आपको सबसे पहले अपना एमआई रिमोट ऐप ओपन करना है। देखिए, ये कॉर्नर पर मेरा एमआई रिमोट ऐप है, मैं इसे एक बार टैप करके ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे मुझे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है एड रिमोट। इस ऑप्शन में मैं एक बार टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आपको यहाँ मल्टी टाइप के डिवाइसेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि एमआई टीवी, एमआई बॉक्स, टीवी सेट टॉप बॉक्स, एसी, फैन वगैरह वगैरह। मुझे अपने टीवी को कंट्रोल करना है, यानी कि टीवी के लिए अपने मोबाइल को रिमोट बनाना है, तो मैं इस टीवी के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। यानी कि एक बार मैं इस टीवी पर टैप करता हूँ। टैप करने के बाद आपको अपना टीवी का ब्रांड सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल, मेरा टीवी है सोनी ब्राविया, सोनी, यहाँ पे मैं सोनी का ऑप्शन दिख रहा है मुझे, तो मैं इस पर एक बार टैप कर लेता हूँ। टैप करने के बाद आपको एक ऑन ऑफ का बटन दिख रहा है ठीक सेंटर में, जो ऑरेंज कलर का है। इस बटन पर आपको 5 सेकंड के लिए टैप करके रखना है, लेकिन आपको टैप करना तब है जब आपका जो मोबाइल है वो ठीक टीवी के सामने हो। मैं अपना मोबाइल ठीक टीवी के सामने ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं अपना मोबाइल ठीक टीवी के सामने ले आ चुका हूँ। अब आपको यहाँ 5 सेकंड के लिए टैप करके रखना है। यहाँ पर अगर आपका टीवी बंद होता है तो आपको यस करना है, अगर नहीं होता है तो नो करना है। मेरा टीवी यहाँ बंद नहीं हुआ है तो मुझे नो करना है। वापस से इस प्रोसेस को करना है कंटिन्यू। अब मेरा टीवी बंद हो चुका है तो मैं यस कर लेता हूँ। यस करने के बाद आपको यहाँ एक डिवाइस नेम देखने को मिलेगा, जो डिफ़ॉल्टली क्या है, सोनी टीवी है, लेकिन मुझे अपना टीवी नेम यानी कि डिवाइस नेम सोनी ब्राविया रखना है, तो मैं यहाँ से सोनी ब्राविया रख लेता हूँ। डन, पेयर्ड। पेयर्ड करने के बाद आपको यहाँ रिमोट के सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे कि पावर, इनपुट सोर्स, मेनू, म्यूट, न्यूमेरिक बटन्स यानी कि नंबर सेलेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ से अपना टीवी पावर ऑन कर लेता हूँ और नीचे की तरफ आपको ऑप्शन दिखेंगे, जैसे कि चैनल आपको बदलना है या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है तो उसका ऑप्शन भी है। देखिए, मेरा टीवी ऑन हो चुका है तो मैं यहाँ से कुछ भी कर सकता हूँ, जैसे कि मुझे म्यूट करना है तो यहाँ से मैंने क्लिक किया तो ये मेरा टीवी म्यूट हो चुका है। ऐसे ही सारे ऑप्शन यहाँ से काम करेंगे। दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसे ही टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो बनाते रहता हूँ। जय हिंद।